सर्दी, विंटर, सर्दी का मौसम, विंटर सीजन या कोल्ड सीजन। सर्दी लगना, फील कोल्ड, उसे सर्दी लग रही है, ही इज फीलिंग कोल्ड। ओस ड्यू, ओस से ढका हुआ, ड्यू, कोहरा, फोग, शीतलहर, कोल्ड लहर या कोल्ड वेव, ठंडी हवा, कोल्ड एयर या कूल, बर्फ गिरना, स्नो या स्नोफॉल। गुलमर्ग में बर्फ गिर रही है, इट्स स्नोइंग इन गुलमर्ग या स्नो इज फॉलिंग इन गुलमर्ग। आग जलाना, सेट द फायर, वह आग जला रही थी, शी वॉज सेटिंग द फायर। हाथ तापना, वॉर्म द हैंड्स, वह हाथ ताप रही है, शी इज वॉर्मिंग द हैंड्स। पानी गर्म करना, हीट द वॉटर, वह पानी खुद गर्म करता है, ही हीट्स द वॉटर हिमसेल्फ। गर्म पानी, वॉर्म वॉटर। चाय या कॉफ़ी बनाना, ब्रू अप या मेक टी या कॉफ़ी, वह चाय बना चुका था, ही हैड ब्रूड अप या ही हैड मेड द टी। चाय या कॉफ़ी पीना, टेक टी या हैव टी, वह कॉफ़ी पी रही थी, शी वॉज टेकिंग द कॉफ़ी या शी वॉज हैविंग द कॉफ़ी। रजाई, क्विल्ट या कंफर्टर, कंबल, ब्लैंकेट, ऊन, वुल या फ्लीस। जो ऊन नेचुरल होता है, भेड़ की खाल से बनता है, वो कहलाता है वुल, और जो ऊन मशीनों से बनता है वो कहलाता है फ्लीस। ऊनी कपड़ा, वूलन क्लॉथ या फ्लीस। जो ऊनी कपड़ा नेचुरल ऊन से बनता है वो कहलाता है वूलन क्लॉथ, और जो ऊनी कपड़ा मशीनों से बनता है वो कहलाता है फ्लीस। ऊनी कपड़े, वूलन क्लॉथ या वॉर्म क्लॉथ या विंटर क्लॉथ। टोपा, बीनी, इस तरह की पहने जाने वाली जैकेट को कहते हैं हुडी। मफलर, स्कार्फ, कनटोप, ईयर मफ, दस्ताना, ग्लव, एक अंगूठे वाला दस्ताना या फिर इस तरह का दस्ताना, दोनों को इंग्लिश में कहते हैं मिटन। इस तरह का जूता जो स्पेशली विंटर में पहनने के लिए होता है वो कहलाता है बूट, और इसका प्लूरल होगा बूट्स। सो व्यूवर्स, हमारे आज के इस वीडियो में मैंने आपको विंटर रिलेटेड वोकैबुलरी बताई और उसके साथ कुछ स्पेशल जानकारी भी आपके साथ शेयर करी। आई रियली होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।